है लखीमपुर से अगली खबर है, जहां पर कांड से जुड़ा आपको बता दें एक और वीडियो सामने आया है। फॉर्चुनर में बैठे युवक का ये वीडियो सामने आया है। आपको बता दें यहां पर थार किसानों को रौंदते हुए जा रही थी, थार भैया के साथ थी, हम फॉर्चुनर में थे, ये बात युवक ने मानी है। वीडियो में मौके पर तैनात सीओ के सवाल जवाब हैं। कार से निकलकर भागने पर किसानों ने उसे पकड़ा था, फॉर्चुनर में पीछे ये बैठा हुआ था। लखनऊ निवासी युवक फॉर्चुनर कार लखनऊ के रहने वाले अंकित दास की बताई जा रही है। लखीमपुर बवाल में अंकित दास का भी अब नाम जुड़ा है। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्चुनर, थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी, थार उन्हीं के साथ थी ना, उनको मालूम है किसकी थार है वो, सब उन्हीं के हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लेकर पड़े का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे वो बैठे हुए थे, पीछे वाली फॉर्चुनर भी थी, फॉर्चुनर भी थी, फॉर्चुनर पे पका रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना, आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्चुनर, थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी, थार उन्हीं के साथ थी ना, उनको मालूम है किसकी थार है वो, सब उन्हीं के हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लेकर पड़े का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे वो बैठे हुए थे, फॉर्चुनर भी थी, फॉर्चुनर भी थी, फॉर्चुनर पे पका रही। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना, आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्चुनर, थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी, थार उन्हीं के साथ थी ना, उनको मालूम है किसकी थार है वो, सब उन्हीं के हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लेकर पड़े का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे? पीछे बैठा हुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शारिक हमारे साथ है, जुड़ गए हैं। शारिक, नया वीडियो सामने आया है जिसमें यहाँ पर कबूलनामा है पीछे बैठी गाड़ी में बैठे युवक का। देखिए साफ तौर पर जिस तरह से पहले ही आशंका जताई जा रही थी और भाजपा के लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि थार में जो है इस तरह की वारदात नहीं की गई थी, ना ही किसानों को कुचला गया था। अब उन्हीं के पक्ष का एक व्यक्ति सामने आया है जिसका नाम शेखर बताया जा रहा है और ये लखनऊ का रहने वाला है। ये थार के ठीक पीछे चल रही फॉर्चुनर कार में पीछे वाली सीट पर सवार था और आगे की सीट पर लखनऊ के रहने वाले और आजकल यहाँ पर ठेकेदारी का काम कर रहे हैं और साथ ही जो मोनू मिश्रा उनके करीबी अंकित दास, वो भी आगे बैठे हुए थे। जिस तरह से इसमें कबूलनामा पूरा आया है कि किसानों को कुचलते हुए थार जा रही थी और अब ये वीडियो भी पूरा सामने आ गया है, सीओ स्तर के अधिकारी इससे पूछताछ भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम जुड़ता चला जा रहा है और ये बात साफ होती जा रही है कि थार किसानों को किस तरह से रोनती हुई चली गई थी। अब ये व्यक्ति जो शेखर जिसको बताया जा रहा है, जो भागने की कोशिश में था फॉर्चुनर से निकलकर और उसको किसानों ने पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस के सुपुर्द किया गया था, लेकिन अब ये व्यक्ति कहाँ है, पुलिस की सुपुर्दगी में है या कहीं और चला गया है या मौके से फरार हो गया है, ये चीजें अभी सवाल बनी हुई है। जिस तरह से इसको डिटेन किए जाने की जरूरत थी पुलिस की तरफ से, हालांकि पुलिस अधिकारी यहाँ पर इसे सवाल जवाब भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है तो ये बड़ा चश्मदीद है जो पूरे वाक्य को बता रहा है। शैलेंद्र बिल्कुल शारिक, लेकिन ये क्या क्या जानकारी दे पा रहा है, इसकी जो जानकारी है वो इस मामले में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, जिस तरह से पुलिस ने वहां पर इसे मौके पर पकड़ा था, इससे बातचीत की थी? देखिए किसानों की तरफ से जो आरोप लग रहे थे थार को लेकर और दूसरी गाड़ियों को लेकर, उसको जो है एक पक्ष तो दूसरा पक्ष गलत बता रहा था, लेकिन जिस तरह से ये दूसरा पक्ष के आदमी खुद ही ये कबूलनामा जाहिर कर रहा है, अपना तमाम सारी चीजों को बता रहा है, जिस तरह से वो थार के ठीक पीछे वाली गाड़ी फॉर्चुनर में बैठा था पीछे वाली सीट पर, आगे वाली सीट पर अंकित दास बैठे हुए थे, तो जिस तरह से ये व्यक्ति शेखर जुड़ा है, एक नाम नया अंकित दास का जुड़ा है, उनके सामने जिस तरह से ये पूरी घटना हुई और जिस तरह से फॉर्चुनर भी लोगों को ठोकर मारती हुई जा रही थी, तो तमाम ये चीजें अब जुड़ती हुई चली जा रही हैं, पूरी स्थिति को साफ करती चली जा रही हैं। अभी ये ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ और वीडियो आ सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर इंटरनेट बंद है। कई किसानों का भी ये दावा है कि उनके पास तमाम ऐसे वीडियोज हैं, तो शैलेंद्र अब ये देखने वाली बात होगी जब और वीडियोज आते हैं तो ये कड़ी दर कड़ी खुद ही जुड़ती चली जाएगी और पुलिस को एक सेफ साइड मिलता चला जाएगा, उसकी जांच में आसानी होती चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात शैलेंद्र अभी ये है कि ये व्यक्ति गया कहाँ, जिस तरह से तमाम चीजें ये बता रहा था तो उसको पुलिस की हिरासत में होना चाहिए था। बिल्कुल शारिक, और ताजा अपडेट की बात कर ले तो लखीमपुर के आज के क्या कुछ हालात हैं, जिस तरह से लगातार तमाम जो सियासी नेता हैं वो लखीमपुर जाने की जिद पर पड़े हैं, लेकिन लखीमपुर की हालत क्या है, जिस तरह से वहां पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं, जिस तरह से वहां पर अभी भी माहौल में तनाव है? बिल्कुल, देखिए अगर माहौल की बात की जाए तो शांतिपूर्ण तनाव बना हुआ है यहाँ पर लगातार। तिकुनिया इलाके में भी जिस तरह से हम लोगों ने पूरा इस मामले को देखा था, उसके बाद जिस तरह से सियासी सरगर्मी शुरू हुई है,
तमाम ऐसे नेता हैं जो डिटेन किए गए हैं, पुलिस की हिरासत में है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के जो विधायक जा रहे थे त्रिपुनिया राघव चड्ढा हो, या दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं जो लखनऊ प्रियंका गांधी के साथ आ रहे थे, उनको यहाँ पर पिछले दो दिनों से डिटेन किया हुआ है। तो लगातार जिस तरह से माहौल में तनाव तो है ही, लेकिन सियासी पारा लगातार यहाँ पर पलता हुआ नजर आ रहा है। शैलेंद्र, बिल्कुल शारिक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से नया वीडियो भारत समाचार आपको दिखा रहा है। घटना के दिन का ये वीडियो है जिसमें जो पीछे गाड़ी जा रही थी थार के पीछे, जो फॉर्च्यूनर काली रंग की आपने वीडियो में देखी होगी, जो वायरल वीडियो है, उसमें ये व्यक्ति सवार था। इतना बता दो बस, मैं उनके साथ में लेकर पड़ेगा काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ही बताओ? अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे वो बैठे हुए थे, पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे पगा रही। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना? अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो? थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? सब उन्हीं के। हुआ इतना बता दो बस, मैं उनके साथ में लेकर पड़ेगा काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ही बताओ? भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे वो बैठे हुए थे, पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे पगा रही। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? वहीं